हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो हम आज के जब के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से, और जो आज वाली वीडियो है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सैमसंग का गैलेक्सी A50 है वहां पर आपको मिल चुका है एंड्रॉइड 11 का अपडेट 1UI 3 के साथ में। और ये अपडेट मतलब की काफी तगड़ी बात है कि इस डिवाइस को अभी करंटली इतनी जल्दी अपडेट मिल चुका है। अभी 3-4 दिन पहले इसके अंदर आपको जो मार्च का मंथ था उसका सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था, और उसी के 3-4 दिन बाद ये अपडेट आ गया। और मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग लगा कि भाई उसके साथ ही दे सकते थे, बट उन्होंने अलग से अपडेट दिया है। और इसके अगर मैं साइज चेक करूँ तो आप देख सकते हो 1871 MB के आसपास का पूरा साइज है, तो काफी बड़ा अपडेट है और एक मेजर अपडेट है। तो मैं इसको है ना कम्प्लीटली इंस्टॉल करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। पहले एक बार मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो UI है काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है, वहां पर आपके जो एनिमेशन है उनको और स्मूथ कर दिया गया है, और वहीं पर आपके जो छोटे मोटे और जो फीचर्स है उनको वहां पर बढ़ा दिया गया है। और वहीं पर बात करें और नेक्स्ट फीचर्स की, तो वो है आपको एक बेटर कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है 1UI 3 के अंदर। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के जो विजेट्स हैं उनको ऐड कर सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे, और वहाँ पर आपको डायनेमिक लॉक जो वॉलपेपर ऐप है उसका भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पिछली बार इन्होंने दिया था बट वो वर्क नहीं कर रहा था, इस टाइम पे ये कह रहे हैं कि प्रॉपरली वर्क करेगा। और साथ में और जितने भी जो फीचर्स हैं आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी काफी अलग अलग फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और आपको अगर नीचे देखा हो तो एनहांस्ड फीचर्स में जाके आपको विजेट्स वगैरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप जो विजेट्स हैं उनको अपनी होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। और वहीं पर अगर कैमरा सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स और वीडियो मोड है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी ऑटो फोकस को काफी अच्छा एनहांस कर दिया गया है, चाहे वो आपकी वीडियोस के लिए हो या फिर आपकी जो फोटोज है उनके लिए हो। और वहीं पर आपको जो गैलरी वगैरह में आपको इजिली फोटोज वगैरह मिल जाएंगी, इनका भी एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। और वहीं पर जो नीचे सेटिंग्स में आपको दे रखा है कि और जो मतलब कि न्यू न्यू फीचर्स है आपको देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं और जो प्रोडक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड है वो भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब कि अपडेट के अंदर काफी ज्यादा चीजें दी गई हैं, और जो मेजर है वो 1UI 3 है, क्योंकि आपको पता होगा जो 1UI 3 उसमें काफी अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसकी भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और साथ में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है, वो तो अलग ही बात है। और जो साइज है वो मैंने आपको बता दिया था 1871 MB के आसपास का है, और सिक्योरिटी पैच 1 मार्च का आ चुका है, और इसके 2-3 दिन पहले ही 1 फरवरी का जो सिक्योरिटी पैच था वो आया था। तो मैंने इसको डाउनलोड पे लगा रखा है, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास दिखा रहा है डाउनलोड होने में, तो मैं इसको डाउनलोड हो जाने देता हूँ। देन उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको डिजाइन क्या क्या न्यू देखने को मिला है, और जो फीचर्स वगैरह हैं उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, और जो एनिमेशन है वो पहले से ज्यादा स्मूथ है या फिर जो डिवाइस है वो थोड़ा लैग करने लग गया है। मतलब आपको पता है कि अपडेट के बाद थोड़ा डिवाइस है ना हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी मैं कंप्लीटली इंस्टॉल करने के बाद आपको बताऊंगा कि जो डिवाइस है वो कैसा चल रहा है। तो मैं एक बार इसको कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेता हूँ, देन उसके बाद बात करता हूँ। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो जो हमारा अपडेट है कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है, और अब मैं इसको एक बार इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपके सारे जितने फीचर्स न्यू न्यू आए हैं सारे के सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे।
सो जो हमारा अपडेट है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल होने के बाद देख सकते हो पहले ही पॉपअप आ चुका है कि ये एक एप्लीकेशन है जोस करके, ये मतलब खुद ही इंस्टॉल हो गई। तो ऐसी दो तीन एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, आप इनको अनइंस्टॉल कर देने। मैंने पहले वाले अपडेट में बताया था कि सेम इशू आ रहा है, सबके में इंस्टॉल होती हैं ये, तो ये सैमसंग पहले से प्री इंस्टॉल करके देता है, तो आप इसको अनइंस्टॉल कर देना। तो जो हमारा अपडेट है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, और जो फर्स्ट चीज़ मैंने नोटिस की थी वो थी लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हो अब आपके जैसे पिक्सल डिवाइसेज में आता है बीच में टाइम, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड में वैसा ही टाइम आने लग चुका है। और जो फिंगरप्रिंट का मतलब कि आइकन है वो भी चेंज कर दिया गया है, साथ में ये दोनों आइकन्स कैमरा के और मोबाइल के ये भी चेंज कर दिए गए, बट जो एनिमेशन है वो सेम ही है फिंगरप्रिंट का। तो ये तो इनिशियल चेंजेस है आपके लॉक स्क्रीन के अंदर। और वहीं पर बात करें अगर ऊपर टॉगल्स की, तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हो इजीली आपको हल्का हल्का पीछे आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, और जो ऊपर टाइम वगैरह है वो आपको ऐसा दिखाई देता है, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ा दी है, और थोड़े आइकन्स हैं उनको भी थोड़ा मतलब चेंज किया गया है, और थोड़ा उनका लुक अच्छा किया गया है। और अब आपका जो हाथ है आराम से पहुंच जाएगा। पहले ये जो टॉगल थे थोड़े ऊपर होते थे, तो आपको मतलब कि वन हैंड करने में दिक्कत आती थी, बट अब दिक्कत बिल्कुल नहीं आई है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहले आप जब टॉगल नीचे कर लेते, मतलब जो नोटिफिकेशन बार नीचे कर लेते, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, बट अब आपको मतलब कि पीछे का सब कुछ दिखाई देगा। और जो ऐप के आइकन्स है वो भी आप देख सकते हो थोड़े ओवल शेप में आ चुके हैं, और वहीं पर जो ग्रुप्स वाला सेक्शन है उसको भी थोड़ा एनहेंस कर दिया गया है। और जो एनिमेशन है वो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो एनिमेशन देख सकते हो, और मैंने एनिमेशन वैसे भी थोड़ी बहुत बंद कर रखी है, तो आपको कम एनिमेशंस देखने को मिलेंगी। और एक ऐसा फीचर जिसकी मतलब कि काफी बंदों को काफी टाइम से वेट था वो था एज स्क्रीन। तो अब यहाँ पर एज स्क्रीन भी आ चुका है, आप देख सकते हो ये आपको एज स्क्रीन है, यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एज स्क्रीन को। तो ये डिटेल वीडियो आएगी इसकी, जिसके जितने फीचर्स आपको 1U3 में देखने को मिलते हैं A50 के अंदर, उसकी डिटेल वीडियो मैं आपको 5-6 दिन में देने की कोशिश करूंगा। तो आप एंड पैनल यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर टॉगल देखने को मिल जाता है, आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो काफी अच्छी तरीके से। तो ये एक नई था, ये भी आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और मैं कैमरा में आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रो मोड वगैरह में कुछ मतलब कि चेंजेस किए गए हैं, या फिर जो शटर स्पीड वगैरह है उसका ऑप्शन आया है नहीं आया है। तो देख सकते हो आपको यहाँ पर अभी भी मैनुअल फोकस का और जो शटर स्पीड का ऑप्शन है नहीं देखने को मिलता है। तो प्रो मोड में आपको कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो कैमरा के सेक्शन में तो आपको मतलब कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि वहाँ पर आपको जो प्रो मोड है उसमें अभी भी कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस में आपको प्रो मोड में जो मैनुअल फोकस और शटर स्पीड का ऑप्शन है वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो बेसिक फीचर होने से काम चलाना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छा लुक देखने को मिलता है आपको, जो टॉगल्स और जो आपके फोन से काफी बढ़िया तरीके से यूज कर रखे हैं। तो मतलब आपको काफी सिस्टमैटिक मैनर में दे रखा है, जैसे पहले दे रखा था सेम वही है, और बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। और जैसे मैं अबाउट फोन में आके आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में दिखाऊं, तो आप देख सकते हो 1UI 3.1 एंड्रॉइड 11 का वर्जन दे रखा है, और हम इस पर डबल टैप करते हैं तो आप देख सकते हो ये हमारा एंड्रॉइड 11 है। सो जो ओवरऑल डिवाइस उसमें काफी अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, और जो धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट्स है मतलब कि जो और फीचर्स आए हैं वो आपको मैं डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दी है। कैमरा में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि जो ऑटो फोकस वगैरह है उसमें इंप्रूवमेंट किया गया है, बट और छोटे मोटे मतलब कि जो प्रो मोड वाले इंप्रूवमेंट थे वो बिल्कुल भी नहीं किए गए। और अभी देख सकते हो आपके पास साथ में एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल हो चुकी है। तो ऐसे 3-4 एप्लीकेशन और इंस्टॉल होंगी, उनका आप एक बल्क में एक साथ डिलीट कर देना। और एक जो लास्ट फीचर बचा था वो था नोटिफिकेशन पैनल का, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल भी देखने को मिलता है। अगर जैसे आपके कोई नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे आपको A51 वगैरह में यहाँ पर मतलब कि नोटिफिकेशन देखने को मिलता है बिल्कुल छोटा सा पॉपअप, वो भी देखने को मिल जाता है आपको अभी इस अपडेट के बाद। सो ये थे वो जो छोटे मोटे फीचर आपको जो अभी इस न्यू अपडेट में देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको इनिशियल स्टेज में बता दिए हैं, और इसका डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। सो ये थी सिंपल सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।